पर लखनऊ से, जहां पर यूपी वन विभाग में एक बड़ा घोटाला हुआ है। वन विभाग के अफसर राजस्व को चूना लगा रहे हैं। दरअसल हर महीने राजस्व को 10 करोड़ का यहां पर चूना अधिकारी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बॉर्डर एरिया पर वसूली की जा रही है वन विभाग के अफसरों के जरिए। वन प्रभाग बरेली के कई चेक पोस्ट जो अवैध वसूली का अड्डा बन रहे हैं, तो बरेली वन विभाग के चेक पोस्ट पर वसूली की शिकायत मिली। मुख्य वन संरक्षक ललित वर्मा पोस्ट पर हो रही है वसूली। बहेड़ी चेक पोस्ट से हर रोज 500 से 600 वाहन गुजरते हैं और महज 50 से 60 ट्रकों से ये अभिवाहन शुल्क लिया जा रहा है। मुख्य वन संरक्षक ललित वर्मा अपने लिए इस वसूली को करवाते हैं। ललित वर्मा की तैनाती के बाद से राजस्व की वसूली यहां पर कम हो रही है। तो विभाग के अफसर विभाग को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्व को भारी नुकसान इसमें होता हुआ। बॉर्डर एरिया के जो बैरियर्स हैं उन पर सरकार नहीं अपने लिए वसूली ये अफसर करा रहे हैं। विभाग के अफसरों की भ्रष्टाचार की शिकायत मिली है। बरेली मुख्य वन संरक्षक ललित वर्मा के वन विभाग की चेक पोस्ट पर वसूली की शिकायत मिली और उसी पर अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। हर रोज यहां से 500 से 600 वाहन तकरीबन निकलते हैं, लेकिन अभिवाहन शुल्क जो है महज 50 से 60 ऐसे ट्रक है जिनसे लिया जाता है। शिकायत में आरोप है कि ललित वर्मा की तैनाती के बाद से लगातार राजस्व की जो वसूली है यहां पर कम हो रही है। ललित वर्मा की तैनाती के बाद प्रति महीने 5 करोड़ से ज्यादा कम वसूली हुई है राजस्व की, और सरकार के लिए नहीं बल्कि अपने लिए मुख्य वन संरक्षक ललित वर्मा वसूली को करा रहे हैं। सरकारी रेट की पर्ची ना देकर आधे रुपए प्रति ट्रक कैश यहां पर लिया जाता है। जिस तरह से प्रदेश को नुकसान यहां पर अधिकारी पहुंचा रहे हैं, उनकी वानगी एक बार फिर से सामने आ गई है। यूपी वन विभाग जहां एक बड़ा घोटाला अधिकारियों के जरिए सामने आ रहा है।